ओके हैन सो टूडे लेट्स डिस्कस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स इज़ वेन सम वैक्स इज रब्ड ऑन अ क्लोथ इट बिकम्स वाटर प्रूफ एक्सप्लेन फाइन सो लेट्स एज हमारे पास एक लिक्विड है एंड हमारे पास एक सरफेस है सो so क्या ये जो लिक्विड है इस सरफेस को वेट करेगा या नहीं करेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है फोर्सेस पे एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स वन इज़ कोहेसिव एंड अदर वन इज़ एडहेसिव कोहिव फोर्स क्या होता है Uh, जो फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा दैट विल बी योर कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स इज बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं राइट नाउ आप देखो इफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ये जो लिक्विड है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में एक कोहेसिव फोर्स होगा राइट एंड एक एडहेसिव फोर्स होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सरफेस राइट सो कोहेसिव फोर्स क्या है कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इट सेल्फ एंड एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस सो इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स देन क्या ये जो लिक्विड है इसे वेट करेगा सरफेस को देखो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है सो दैट्स वाई ये वेट नहीं होगा इफ कोहेसिव फोर्स इज लेसर देन एडेसिव फोर्स देन ये जो मॉलिक्यूल्स है इस लिक्विड के ये सरफेस से जाके स्ट्रिक कर जाएंगे सो so उस केस में ये जो सरफेस है ये वेट हो जाएगा और इसे ही हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर मीन्स जो सरफेस है वो वेट नहीं होगा सो so, उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट विल बी ऑब्टूज एंड इन दिस केस जहाँ पे सरफेस वेट हो जाएगा उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट विल बी एक्यूट नाउ यू कैन ईजीली आंसर दिस क्वेश्चन दैट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द क्लोथ एंड द वॉटर इज एक्यूट एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वॉटर एंड द Vex is obtuse. So I think uh, you already know these things. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.